सत्येंद्र चौबे सुमन, रेहला जिला पलामू, झारखंड राज्य का निवासी हूँ। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी हूँ। मेरी साहित्य में गहरी अभिरुचि है तथा मैंने सैकड़ों साहित्य रचनाएं की हैं। संयोगवश एक दिन मुझे श्री विनय शुक्ल विनम्र का पुस्तक मानस के गीत पढ़ने का अवसर मिला। यही उनकी पुस्तक है, विनय शुक्ल विनम्र की मानस का गीत पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पुस्तक का नाम मानस के गीत कवि द्वारा रचित रचनाओं के सर्वथा अनुकूल है। श्री शुक्ल ने इस पुस्तक में विभिन्न विषयों पर अपनी भावनाओं को एवं संवेदनाओं को शब्दों के रूप में ढालने का एक कुशल शिल्पकार की भांति अद्भुत प्रयास किया है। पुस्तक में जितनी भी कविताएं हैं सब गेय रूप में हैं। कवि विनय शुक्ल विनम्र ने अपने हृदय के उद्गार को कविता के रूप में ढाल दिया है। पुस्तक में जहां एक ओर आदि कवि वाल्मीकि के विषय में है, वहीं दूसरी ओर तुलसीदास के विषय में भी है तथा आधुनिक राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि एवं राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में भी कविताएं लिखी गई हैं। इस पुस्तक में प्रेम और श्रृंगार पर भी कई अच्छी रचनाएं हैं, जिसमें जीवन बसंत हो गया, ये देखे जीवन बसंत हो गया, इसके अलावा आंसुएं ठहर जाओ, इसमें कवि ने प्रेम और श्रृंगार का अद्भुत चित्रण किया है। इसके साथ ही देशभक्ति पर भी कई कविताएं हैं और सुंदर छंद भी हैं। मानवीय संवेदनाओं पर भी लुई ब्रेल पर एक सुंदर रचना है जो बहुत ही पढ़ने में अच्छा लगता है। दयानंद सरस्वती, महावीर स्वामी पर भी सुंदर रचना इस पुस्तक में है। कारगिल युद्ध एवं सीमा पर सैनिकों के साहस का भी चित्रण इस पुस्तक में किया गया है। पुस्तक में भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक कुरीतियों पर ममतामयी प्रहार किया गया है। कुल मिला जुलाकर कवि श्री विनय शुक्ल विनम्र ने अपने हृदय के भावों को गे पंक्तियों में ढालकर आम व्यक्तियों के लिए सहज एवं आकर्षक बना दिया है। मैं चाहूंगा कि अन्य लोग भी इस पुस्तक को पढ़ें और पुस्तक में जो विशेषताएं हैं उसको समझने का प्रयास करें ताकि साहित्य का संवर्धन हो सके। धन्यवाद।